मोक्ष की नगरी उज्जैन जो अति प्राचीन सप्तपुरियों में से एक मानी जाती है। यहाँ स्थापित है अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे सिद्ध वट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसे माता पार्वती ने खुद अपने हाथों से रोपा था और शिव की नगरी उज्जैन में ये विश्व का संभवतः एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग महाकाल उनकी शक्ति और सिद्ध वट वृक्ष के प्रतिष्ठापित है। जहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दूध अर्पित किया और पितरों की आत्म शांति की कामना की। श्रद्धालुओं ने वट वृक्ष पर दूध चढ़ाकर अपने पितृ दोष से मुक्ति की कामना की। वहीं केवल दूध की एक धार यहां आने वाले पितरों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। यूं तो प्रतिदिन ही देशभर से श्रद्धालु यहां पर पितृ मोक्ष के लिए आते हैं और लेकिन चतुर्दशी और अमावस्या पर सिद्धवट पर दूध चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। श्राद्ध पक्ष में तो यहाँ दूर दूर से आकर श्रद्धालु पितरों का तर्पण करते हैं और सिद्धवट पर दूध की धार अर्पित करते हैं। यहाँ पर काल सर्प दोष के निवारण के लिए भी पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं का दोष समाप्त होता है। इसके साथ ही गया में की जाने वाली नारायण बलि नाग बलि पूजन का भी यहाँ पर विधान है और इसी के चलते आज उज्जैन में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और सिद्ध वट पर लोगों ने दूध अर्पित किया। उज्जैन के सिद्ध वट का बड़ा महत्व है। इस वृक्ष को लेकर स्कंद पुराण अवंतिका खंड में वर्णन मिलता है कि जगत जननी माता पार्वती ने इसी स्थान पर इसे लगाया था और शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। माता पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस वृक्ष को अक्षय वट होने का वचन दिया था। इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और मान्यता है कि माता पार्वती की सेवा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि इस वृक्ष का पूजन करने वाले और यहाँ पितरों की कामना से तर्पण और पिंड दान करने वाले दूध चढ़ाने वालों को पितरों से मुक्ति मिल जाएगी। ये पार्वती माता के हाथ का लगाया वट है और पार्वती माता ने इस वट को लगाया। उसके बाद कार्तिक का जन्म हुआ था और कार्तिक स्वामी ने जब तारासुर का वध किया तो देवताओं ने विजय उत्सव मनाया था। वो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है और इसको वैकुंठदशी के नाम से विख्यात है। जब महाकाल की सवारी गुमा मंदिर आती है उसको हरिहर मेला बोलते हैं, वो वहाँ होता है और यहाँ भगवान कार्तिक का जन्म मुंडन हुआ है और कार्तिक स्वामी ने तारासुर का वध किया। वो शक्ति यहाँ छिपा मिले हुई तभी से इसका नाम शक्ति भी है और तभी से कार्तिक मेला लगता है उज्जैन में और उसका मुख्य पूजा यही होता है। चौदह फिर यहाँ पर लगता है और पूर्णिमा को राम घाट पर लगता है। ये पार्वती माता के हाथ का लगाया वट है। त्रेता में हिंदुस्तान में चार वट है, इलाहाबाद में अक्षय वट, गया जी का बोधि वट, वृंदावन का बंसी वट और ये उज्जैन का सिद्ध वट। ये चारों कलयुग के कल्पवृक्ष माने जाते हैं। ये वट त्रेता में लगाया पार्वती माता ने और यही बाद में राजा विक्रमादित्य को बेताल सिद्धि मिला, तब से यहाँ धागा बांधने की परंपरा है। अरे आज वैकुंठ जोशी है, वैकुंठ जोशी को यहाँ मुख्य रूप से दूध चढ़ाते हैं और पितरों का पंडदान भी करते हैं। पितृ मोक्ष होने से आज विशेष महत्व होता है। वैकुंठ जोशी हरियर मिलाप होता है गोपाल मंदिर में और यहाँ कार्तिक का मुझे उत्सव मनाया, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पे और चौबीस पूजा होता है।